नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंद एक्सप्रेस न्यूज चैनल में। मैं हूँ आप सभी के साथ सिमरन। हावड़ा के व्यापारियों को आखिरकार किसका डर सता रहा है? आखिरकार क्यों 20 दिनों से अंधेरे में जीने को मजबूर है ये व्यापारी? आखिर कौन चला रहा है हावड़ा में गुंडा राज? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। हावड़ा के सकरायल थाना के धूलागढ़ सब्जी मंडी में पिछले 20 दिनों से लाइन काटे जाने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। लोग अंधेरे में सब्जी बिक्री कर रहे हैं। वहीं इस कम्प्लेक्स के मालिक रतन चौधरी पर आरोप है कि पैसे लेने के बावजूद भी वह बिजली नहीं जुड़वा रहे हैं और ना ही वहाँ रह रहे लोगों को जुड़वाने दे रहे हैं। आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी उनके लोग बिजली का तार नहीं जोड़ रहे हैं। क्या ये लोग 13 से 15 रुपए की वसूली कर रहे हैं, जबकि सरकारी रेट 6 रुपए प्रति यूनिट है? जबरन वसूली से इस मंडी के लोग परेशान हैं। सब्जी के दामों में भी काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है और टैक्स के नाम पर वसूली किया जा रहा है। 225 से 300 रुपए गाड़ी वाले, 50 से 100 रुपए ठेला वाले, रिक्शा वाले से हर जगह जबरन वसूली का धंधा चलाया जा रहा है। बिजली नहीं होने के कारण सब्जी मंडी के लोग पिछले 15 दिनों से पानी के लिए दर दर भटक रहे हैं। आरोप है कि पुलिस कोर्ट का उदय दिखाने के बावजूद भी किसी प्रकार का सहयोग नहीं कर रही है और कुछ नेताओं के सहयोग से ये धंधा चलाया जा रहा है। हम लोग 13.5 रुपया यूनिट का ले रहे हैं। अच्छा। वो सब हम लोग का भाड़ा दिए हुए, हम लोग का लैंड खरीदा हुआ, मीटर लेने के लिए बात हुआ था। फर्स्ट में 1,00,000 रुपया डिपॉजिट दिया हुआ था कंपनी को। अच्छा। मैनेजर को उस समय मैनेजर रोक दिया कि हम लोग एनएससी देगा नहीं दिया। आज तक हम लोग परेशान है। हम लोग का इलेक्ट्रिक काट दिया है, 20 रोज से बिना इलेक्ट्रिक पानी का हम लोग इधर उधर से जी रहे हैं, परेशान है सब आदमी हम। अच्छा, तो अभी आप लोग के पास हाईकोर्ट का ऑर्डर है? हाईकोर्ट का ऑर्डर है। परसों 4-5 दिन आगे इलेक्ट्रिक वाला आया था, लोग उसको मार धर के घुरा दिया। आज भी आया, आज भी अटका के यहाँ रखा हुआ है, नहीं ढुकने दे रहा अंदर में। सर किचु की डिस्कस आज किचु हो चे ना, लाइन लगाते दीचे ना, इधर कम लाइन लगाते दीचे ना, वही बुखारी कोटर ऑर्डर आ चे। अच्छा, এরা এরা দাবি করছে হাইকোর্টের আমরা অর্ডার পেয়েছি, হাইকোর্টের অর্ডার থাকলে হাইকোর্টের অর্ডারটা ক্যারি করার জন্য আমাদের কাছে অর্ডারের কপি আসবে। অর্ডারের কপি দেখে যদি অর্ডার থাকে, হাইকোর্ট যদি বলে কোন জায়গার উপর দিয়ে লাইনটা যেতে হবে, সেই জায়গাটা যদি ঠিকঠাক হয় তাহলে লাইন অবশ্যই যাবে। কোন ল্যান্ডের উপর দিয়ে লাইনটা যাবে সেরকম তো উল্লেখ নেই, তবুও আমরা বড় মার্কেট, হাজার হাজার লোক কারোবার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, সব ডুবে যাচ্ছে। অর্ডার তো অবশ্যই আমাদের, তাহলে লাইনটা তো এরা চালু করছে না? আমাদের বড়বাবু আছে, বড়বাবুর কাছে ওনারা যাবে, দুপক্ষ যাবে, অর্ডার কপি। 6 টাকা জায়গা 15 টাকা তুলাবাজি হচ্ছে স্যার, সেইসবগুলো আমরা আগে জানাই। 6 টাকা জায়গা 15 টাকা তুলাবাজি হচ্ছে, এত বড় সবজি মার্কেট ডুবে যাচ্ছে, এটা আমাদের জানা নেই। সবজি মার্কেট ডুবে যাবে, ওটা নিয়ে কোনো অ্যাকশন হবে না? সেইটা আমাদের জানা নেই।